अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंड्स एंड लाइफस्टाइल बाय शबाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल हेयर स्टाइल्स लेके आई हूँ। अगर आपकी शादी होने जा रही है तो डेफिनेटली आप देख रही होंगी अपने लिए एक खूबसूरत सा ड्रेस, उसके साथ मैचिंग क्लच, जूता वगैरह। आप बहुत अच्छा सैलून ढूंढ रही होंगी जो आपका मेकअप बहुत अच्छा करे। इस सब चीज़ों के साथ आपका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, जो आपके फेस को, आपके मेकअप को, आपके ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करे। अगर आपका मेकअप अच्छा हुआ है, आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, तो आप की ओवरऑल लुक बहुत खूबसूरत आएगी और आपका वेडिंग डे बहुत स्पेशल होता है। पिक्चर्स बनाई जाती हैं जो कि लाइफ टाइम मेमोरी होती है, तो इस वजह से आपका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। और हेयर स्टाइल भी हर फेस कट के अकॉर्डिंगली होता है। आप अपने फेस के अकॉर्डिंगली हेयर स्टाइल सेलेक्ट करें, आप जो भी सैलून सेलेक्ट कर रही हैं। इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा हेयर स्टाइल्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे, तो आप जो भी सैलून सेलेक्ट करती हैं वहाँ पे हेयर स्टाइल दिखा के आपको बन बनवाना है या आपको साइड पे कर्ल्स करवाने हैं या जो भी आपको हेयर स्टाइल पसंद है, तो आप जो सैलून सेलेक्ट कर रही हैं आप उनके साथ डिस्कस कर लें कि ये हेयर स्टाइल मैं बनवाना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल आपके फेस पर अच्छा लगे, तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंगली हेयर स्टाइल सेलेक्ट करें। और एक दफ़ा आप अपनी ब्यूटिशियन से, जिन्होंने आपका मेकअप करना है, आप उनसे कंसल्ट कर लें कि ये हेयर स्टाइल मेरे फेस पे सूट करेगा या नहीं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि साइड पिकल्स किए होते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा बाल आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो आपके अगर बाल इतने हेल्दी नहीं हैं तो सैलून्स वाले हेयर एक्सटेंशन यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर आपने बालों को कलर करवाना है, डाई करवाना है, तो आप कुछ दिन पहले ही करवा लें और उसके साथ आप हेयर एक्सटेंशन अगर आपने खुद प्रोवाइड करनी है सैलून वालों को, तो वो आप ले लें या सैलून वालों से आप बात कर लें, उन्होंने प्रोवाइड करनी है तो आपका जो हेयर कलर है उसके साथ मैचिंग हो। ये देखें, ये इस तरह का आप अगर बन बनाती हैं तो बन के आगे, क्योंकि ब्राइड्स ने पाकिस्तान में अगर ब्राइड्स हैं तो उन्होंने दुपट्टा वेयर करना होता है, तो आपका दुपट्टा थोड़ा पीछे सेट हुआ होता है तो फ्रंट से आपका हेयर स्टाइल नज़र आ रहा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।